गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोजा कॉलेज चूरू। अपन चल रहे हैं हड़ौती का साम्राज्य। मैंने आपको इससे पहले के वीडियोस में कई जगह बतलाया है कि राजस्थान में चौहान साम्राज्य अलग अलग जगह केंद्रित रहा है। इनमें सबसे प्रमुख जो चौहान शासक हुए थे या चौहान साम्राज्य हुआ था वो था अजमेर या शाकंभरी के चौहान, और अजमेर के अंतिम शासक या शाकंभरी के चौहान के अंतिम शासक थे पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें हम पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं। त्राइन के द्वितीय युद्ध में उनके पराजय के पश्चात चौहानों की एक और शाखा का जन्म होता है। पृथ्वीराज के पुत्र गोविंदराज ने रणथंभौर की चौहान शासक शाखा की स्थापना की। इसके अलावा राजस्थान में सिरोही के चौहान हुआ करते थे, जालौर के चौहान हुआ करते थे, और एक और शाखा का विस्तार हुआ करता था हाड़ौती के चौहान। हाड़ौती में प्रारंभ में बूंदी शामिल था, और बूंदी का जो शासक था या बूंदी की जो रियासत थी वो मेवाड़ के अधीन रही। लगभग 11 शताब्दियों तक वो मेवाड़ के अधीन रही थी, और इसी मेवाड़ के अधीन इस बूंदी रियासत, जिसे आज हम बूंदी के रूप में जानते हैं, उस बूंदी रियासत में बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़, ये चारों जिले शामिल थे, और इनको हम हाड़ौती के नाम से जानते हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ की जो प्रमुख भाषा है वो भी हाड़ौती ही कहलाती है। हाड़ा शासकों की कर्मस्थली होने के कारण से इसको हाड़ौती कहा जाता है। प्रारंभ में जो देवी सिंह चौहान था उन्होंने यहाँ पर जेता मीणा को पराजित करके इस भूभाग पर, पहले मीणाओं का साम्राज्य हुआ करता था, जेता मीणा प्रमुख शासक थे, और उनको पराजित करके यहाँ पर चौहान वंश की नींव डाली देवी सिंह चौहान ने। देवी सिंह चौहान के पश्चात अगर कोई बूंदी साम्राज्य में प्रमुख चौहान शासक हुआ तो वो थे समर सिंह चौहान, और समर सिंह के बाद और प्रमुख शासक हुए थे वो थे राव सुरजन चौहान। सुरजन चौहान अकबर के प्रमुख सेनापतियों में से एक थे, और बूंदी के पहले शासक थे जिनको अकबर ने 5000 का मनसबदार बनाया था। उसके पश्चात जब मुगल साम्राज्य शाहजहाँ के हाथ में आया, तब सन 1631 ईस्वी में शाहजहाँ ने बूंदी से कोटा को अलग करके एक अलग और नवीन रियासत की स्थापना की, और उस समय रतन सिंह जो चौहान हुआ करते थे उनके पुत्र माधो सिंह को कोटा का शासन दे दिया, यानी कोटा का साम्राज्य उनको दे दिया, और उसके साथ ही बूंदी का विभाजन हो जाता है बूंदी के रूप में और कोटा के रूप में। तो इस प्रकार से बूंदी से 1631 ईस्वी में अलग होकर कोटा की स्थापना होती है शाहजहाँ के काल में। ये सारी की सारी चर्चाएं हम पिछले वीडियो में कर चुके थे, आज हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपसे निवेदन, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए शुरुआत करते हैं बूंदी के चौहान शासक। आज अपन बात करेंगे राव भाव सिंह हाड़ा चौहान। इनका शासनकाल बूंदी में 1658 से 1681 ईस्वी तक रहता है। औरंगजेब ने शत्रुसाल हाड़ा के छोटे भाई भगवंत सिंह को मऊ, बारा आदि परगने देकर बूंदी का अलग राज्य बना दिया। इससे पहले शत्रुसाल हाड़ा भाव सिंह हाड़ा चौहान से पहले शत्रुसाल हाड़ा जो भाव सिंह चौहान के पिता थे उनका साम्राज्य हुआ करता था, वो शासक हुआ करते थे, और 1685 ईस्वी में उनके पश्चात जो अगले शासक बने थे वो थे भाव सिंह हाड़ा चौहान। लेकिन औरंगजेब इस भाव सिंह हाड़ा चौहान को स्वीकार नहीं करता था, इसलिए शत्रुसाल हाड़ा के भाई भगवंत सिंह को इन्होंने आखिरकार बूंदी का एक अलग राज्य बनाकर सौंप दिया। जो भाव सिंह चौहान था उस भाव सिंह चौहान को मान्यता प्रदान नहीं की, बल्कि शत्रुसाल हाड़ा के भाई भगवंत सिंह को बूंदी का अलग से राजा बनाकर, अलग से शासक बनाकर एक इलाका सौंप दिया, और उस इलाके में मऊ, बारा आदि परगने शामिल कर दिए। और उसके ज्येष्ठ पुत्र भाव सिंह के विरुद्ध जो बूंदी का शासक बना था शिवपुर के राजा आत्मा राम गौड़ और वीर सिंह बुंदेले को भेजा। क्योंकि भाव सिंह को औरंगजेब ने मान्यता प्रदान नहीं की थी,
भगवंत सिंह को बूंदी का एक अलग से पृथक राज्य प्रदान करके बूंदी का शासक घोषित कर दिया था। इसलिए भाव सिंह को बूंदी के राजा के पद से या शासक के पद से हटाने के लिए एक सैन्य अभियान औरंगजेब ने भेजा था और ये सैन्य अभियान गया था आत्माराम गोड़ और वर सिंह बुंदेले के नेतृत्व में। भगवंत सिंह की मृत्यु हो गई। जिस भगवंत सिंह को औरंगजेब ने बूंदी का नया शासक घोषित किया था, मऊ और बारा के जो परगने प्रदान किए थे, उस भगवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। और इधर जो सेना भाव सिंह के विरुद्ध भेजी थी उसकी खातोली नामक युद्ध के गांव के पास पराजय होती है। यानी कि जो भाव सिंह के विरुद्ध जो सेना औरंगजेब ने भेजी थी वीर सिंह बुंदेले और आत्माराम गोड़ के नेतृत्व में, उसको भाव सिंह ने खातोली के पास एक युद्ध में पराजित कर दिया। इसके पश्चात उसने भाव सिंह को 1658 ईस्वी में आगरा बुलाया। औरंगजेब को ये लगा कि अब भाव सिंह का कोई विकल्प नहीं है, भगवंत सिंह भी मारा गया है और जो सेना भाव सिंह के विरुद्ध भेजी थी उस सेना की को भी पराजय का सामना करना पड़ा है। इसलिए आखिरकार भाव सिंह को सम्मान देना पड़ा और भाव सिंह को 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने आगरा बुलाया और उसके बाद उसे 3000 जात और 2000 सवार का मनसब प्रदान किया। यानी कि जिस प्रकार से अभी मैंने आपको बताया कि बूंदी साम्राज्य के सबसे सफल शासक के रूप में जिसे सुरजन चौहान का नाम आता है, उनको 5000 जात और मनसब का पद प्रदान किया गया था। उसके पश्चात भाव सिंह को औरंगजेब ने 3000 जात का और 2000 सवार का मनसब प्रदान किया 1658 ईस्वी में, और उसके अलावा डंका, झंडा एवं बूंदी की जागीर देकर उसका सम्मान किया। वो जो बूंदी की जागीर जो औरंगजेब ने एक प्रकार से छीन ली थी और उसको वापस भाव सिंह को उसने प्रदान कर दिया। इसके साथ ही डंका भी उनको दिया, जो डंका नगाड़ा के साथ बजाते हैं वो सम्मान का प्रतीक होता है, और एक झंडा भी, एक निशान भी उनको प्रदान किया था। इस प्रकार से भाव सिंह को उसने बूंदी का राजा, बूंदी का शासक स्वीकार कर लिया। 1660 ईस्वी के चाकर के घेरे में वह मिर्जा राजा जय सिंह की चढ़ाइयों में शाही फौज में सम्मिलित था। इसके पश्चात जब औरंगजेब ने भाव सिंह को सम्मान प्रदान कर दिया और भाव सिंह ने भी औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली, तब 1660 ईस्वी में औरंगजेब के नेतृत्व में चाकर का घेरा डाला गया। चाकर के घेरे में इसमें मिर्जा राजा जय सिंह के सेना में ये भाव सिंह शामिल था। यानी कि शाही फौज जो राजा जय सिंह के नेतृत्व में लड़ रही थी, उस शाही फौज में भाव सिंह भी शामिल था। इस प्रकार से भाव सिंह को औरंगजेब ने न केवल मान्यता प्रदान की, बल्कि भाव सिंह ने भी औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करते उसके विभिन्न प्रकार के जो मिशन थे उन मिशनों में शामिल होना स्वीकार किया था। राव अनिरुद्ध हाड़ा चौहान, इनका शासनकाल बूंदी में रहा था 1681 ईस्वी से 1695 ईस्वी। वह राव भाव सिंह हाड़ा के छोटे भाई का पोता था। हम राव अनिरुद्ध सिंह हाड़ा की बात करें और अनिरुद्ध हाड़ा जो था वो भाव सिंह हाड़ा का जो छोटा भाई था उसका पोता था। यानी कि भाव सिंह का कोई उत्तराधिकारी जो बना वो उत्तराधिकारी था अनिरुद्ध हाड़ा, और अनिरुद्ध हाड़ा इसलिए बना कि भाव सिंह का खुद का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए छोटे भाई के पोते को आखिरकार अगला बूंदी का शासक बनाया जाता है, जो मात्र 15 वर्ष की आयु में 1681 ईस्वी में बूंदी का स्वामी बना। यानी कि 1681 ईस्वी में इसको अनिरुद्ध हाड़ा चौहान के नाम से बूंदी का शासक बनाया गया। बूंदी या बूंदी के शासन की बागडोर ने संभाली मात्र 15 वर्ष की आयु में। उसके बूंदी के राजगद्दी पर बैठने पर औरंगजेब ने खिलत और हाथी टिक्के में भेजे। ये एक रस्म हुआ करती है, जब भी कोई अधीन रियासत का शासक या कोई नया उत्तराधिकारी पद ग्रहण करता है तो मुगल साम्राज्य की तरफ से कुछ ना कुछ भेंट अवश्य भेजी जाती थी, और इसमें जब अनिरुद्ध हाड़ा चौहान 1681 ईस्वी में गद्दी पर बैठे, तब इनके गद्दी पर बैठने के उपरांत औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य की तरफ से उनको खिलत भेंट की और हाथी भी टिक्के में भेजे। खिलत भेंट करने का मतलब है कि वो उनको अपना अधीन सामंत या अपना अधीन शासक स्वीकार करता है और उसका सम्मान करता है। 1682 ईस्वी में औरंगजेब के दक्षिण अभियानों में वह उसके साथ था। जब औरंगजेब ने दक्षिण का अभियान शुरू किया, 25 वर्ष तक उसने दक्षिण अभियान किया था, उस दक्षिण अभियान में अनिरुद्ध हाड़ा औरंगजेब के साथ था। यानी जब जब दक्षिण का अभियान औरंगजेब के नेतृत्व में हुआ था तब तक अनिरुद्ध हाड़ा औरंगजेब की शाही सेना में शामिल रहा था। इस अवधि में
उसने मराठों से शाही बेगमों को घेरे जाने पर बचाए, उसकी उपलब्धि कही जा सकती है कि अनिरुद्ध हरा चौहान ने जब मराठों के साथ हुए संघर्ष में मराठों ने शाही बेगमों को घेर लिया था, तब इससे अनिरुद्ध हरा चौहान ने ही शाही बेगमों को मराठों के आक्रमण से बचाया था। 1688 ईस्वी के राजाराम जाट के विरुद्ध लड़े गए युद्ध में वह आजम के पुत्र बेदार बख्त के साथ था। यानी कि अलग अलग समय में जो भी संघर्ष, जो भी अभियान मुगल सेना की तरफ से हुए थे, उसमें एक अभियान सन 1688 ईस्वी में होता है जाटों के विरुद्ध, राजाराम जाट जो भरतपुर के साम्राज्य की स्थापना के साथ ही या उनके भरतपुर के साम्राज्य के विस्तार के लिए जाना जाता था, उसने जब विरोध किया था, विद्रोह किया था औरंगजेब के विरुद्ध, तब राजाराम जाट के विरुद्ध जो औरंगजेब ने संघर्ष किया था, जो औरंगजेब ने उसके विद्रोह को दमन करने का प्रयास किया था, उस युद्ध में आजम के पुत्र बेदार बख्त के साथ अनिरुद्ध हाड़ा चौहान शामिल था और ईसाई सेना की तरफ से राजाराम जाट के विरुद्ध युद्ध में वो शामिल हुआ था। काबुल के युद्धों में भी उसकी नियुक्ति मुअज्जम और आमेर के शासक विशन सिंह के साथ हुई थी। यानी कि अनिरुद्ध चौहान की अलग अलग अभियानों में नियुक्तियां भी की गई थी, जिसमें काबुल के युद्धों में भी वो शामिल रहा था और काबुल के युद्धों में वह मुअज्जम के साथ और आमेर के शासक विशन सिंह के साथ शामिल था। यानी काबुल के अभियान में भी इस अनिरुद्ध हाड़ा चौहान ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वहीं उसकी मृत्यु 1695 ईस्वी में हो जाती है। काबुल अभियान के दौरान ही काबुल में ही राव अनिरुद्ध हाड़ा चौहान की मृत्यु होती है सन 1695 ईस्वी में। राव राजा बुद्ध सिंह चौहान 1695-1739 ईस्वी, अनिरुद्ध हाड़ा चौहान की मृत्यु के पश्चात बुद्ध सिंह चौहान को 1695 ईस्वी में बूंदी का अगला शासक बनाया जाता है। यह राव अनिरुद्ध सिंह का ज्येष्ठ पुत्र था, यानी कि अनिरुद्ध हाड़ा चौहान जिसकी मृत्यु 1695 ईस्वी में काबुल में हुई थी, उनकी मृत्यु के पश्चात 1695 ईस्वी में ही उनके पुत्र, सबसे बड़े पुत्र राव बुद्ध सिंह चौहान को मात्र 10 वर्ष की आयु में 1695 ईस्वी में बूंदी का शासक घोषित किया गया या उनका राज्याभिषेक किया गया। जब राव बुद्ध सिंह चौहान 1695 ईस्वी में बूंदी के शासक बने थे, तब उनकी उम्र मात्र 10 वर्ष थी। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उनके पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार के लिए युद्ध ठन गया। जैसे शाहजहां के अंतिम समय में शाहजहां के चारों पुत्रों में उत्तराधिकार का संघर्ष होता है, उसी प्रकार से औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात भी औरंगजेब के पुत्रों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो भी युद्ध हुए उसमें राव बुद्ध सिंह चौहान भी शामिल थे। तब बुद्ध सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया। तो औरंगजेब के पुत्रों के बीच में जब उत्तराधिकार संघर्ष हो रहा था, उसमें औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह के साथ होने के कारण से बुद्ध सिंह ने उसका साथ दिया था और बुद्ध सिंह को महाराव राणा का खिताब एवं कुछ परगने जागीर में दिए गए। बहादुर शाह के द्वारा जब औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बहादुर शाह शासक बनता है, तो बहादुर शाह के द्वारा बुद्ध सिंह को महाराव राणा की उपाधि प्रदान की गई और भी बूंदी के लिए कुछ जागीरें उन्होंने प्रदान की थी। यह हम यूँ कह सकते हैं कि बूंदी रियासत में कुछ विस्तार बहादुर शाह के द्वारा किया गया बुद्ध सिंह चौहान का साथ देने के कारण से, उसको इनाम के तौर पर। बुद्ध सिंह ने नेहतरंग नामक ग्रंथ की रचना की थी। बुद्ध सिंह चौहान जो हाड़ा शासक था, इन्होंने ग्रंथ लिखा जिसका नाम था नेहतरंग। इस ग्रंथ की रचना बुद्ध सिंह चौहान ने की थी। मुगल बादशाह फर्रुख सिंह के समय बूंदी नरेश बुद्ध सिंह के जयपुर नरेश जय सिंह के खिलाफ अभियान पर न जाने के कारण से बूंदी राज्य का नाम फर्रुखाबाद रखा और उसे कोटा नरेश को दे दिया। एक और घटनाक्रम आता है बीच में कि मुगल बादशाह जब फर्रुख शेर बने थे, तब फर्रुख शेर ने बुद्ध सिंह को जयपुर नरेश जय सिंह के खिलाफ एक अभियान के लिए भेजा था, क्योंकि इस उत्तराधिकार के संघर्ष में जय सिंह ने इसका साथ नहीं दिया था। इसके कारण से फर्रुख शेर जो था वो जय सिंह से नाराज हो गया
और आपको ध्यान भी होगा, मैंने जब अपन ने ढूंढाड़ का इतिहास किया था तब बतलाया भी था कि फर्रुख शेर ने कुछ समय के लिए जय सिंह से जयपुर का शासन छीन लिया था और उसका नाम भी इस्लामाबाद रख दिया था। उसके पश्चात जो जय सिंह था वो उधर उदयपुर चला जाता है मेवाड़ की सहायता के लिए। फिर मेवाड़ और इन्होंने मिलकर आखिरकार ये जयपुर का शासन वापस हथियाया था, वापस प्राप्त किया था। उसी समय जब जय सिंह इस मुगल साम्राज्य के विरोध में हो जाता है, फर्रुख शेर के विरोध में हो जाता है, तब फर्रुख शेर ने बुध सिंह को जय सिंह के खिलाफ अभियान पर जाने के निर्देश दिए थे, लेकिन जय सिंह के विरुद्ध बुध सिंह ने अभियान पर जाने से इनकार कर दिया। जब बुध सिंह हाड़ा चौहान जय सिंह के खिलाफ अभियान में शामिल नहीं हुआ तब फर्रुख शेर ने बूंदी राज्य को अपने अधिकार में ले लिया और बूंदी राज्य का नाम रखा उन्होंने फर्रुखाबाद, अपने नाम के कारण से। फर्रुख शेर चूंकि नाम था उसका, तो अपने नाम के आधार पर इसका नाम बूंदी का नाम रखा उन्होंने फर्रुखाबाद और फिर बूंदी को कोटा को सौंप दिया। मैं अभी आपको बतला चुका हूँ कि सांझा के समय 1631 ईस्वी में सांझा ने कोटा को बूंदी से अलग करके एक नई रियासत की स्थापना की थी और माधो सिंह को, रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह को कोटा का शासक घोषित किया था। इसलिए 1631 में कोटा बूंदी से अलग हो चुका था, तो इस बूंदी को फर्रुख शेर ने आखिरकार कोटा नरेश को सौंप दिया था। परंतु कुछ समय बाद बुध सिंह को बूंदी का राज्य वापस मिल जाता है। फर्रुख शेर के पश्चात बूंदी का जो साम्राज्य था वो वापस बुध सिंह को प्राप्त हो जाता है। राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश बूंदी में हुआ, ये तथ्य याद रखिएगा, प्राय ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। राजस्थान में मराठों का जो प्रवेश है वो बूंदी से होता है और बूंदी के पश्चात उन्होंने पूरे राजस्थान में, लगभग पूरे राजस्थान में आतंक मचाया था। हालांकि जो पश्चिम की रियासतें थी जैसे कि बीकानेर, जोधपुर या फिर जैसलमेर, ये रियासतें इससे बच गई थी, लेकिन बूंदी, कोटा और मेवाड़ और जयपुर इससे सबसे ज़्यादा प्रताड़ित रही थी। तो मराठों का जो प्रवेश है वो सबसे पहले बूंदी से ही होता है और ये बूंदी को आमंत्रित किया था जय सिंह चौहान ने सबसे पहले। उसके पश्चात धीरे धीरे वो पूरे इस इलाके में फैलते ही चले गए थे। जब 1734 ईस्वी में वहां की बुध सिंह की कछवाही रानी आनंद कुंवरी ने अपने पुत्र उम्मेद सिंह के पक्ष में मराठा सरदार होलकर और राणो जी को आमंत्रित किया था। अभी मैंने आपको बताया था कि जय सिंह ने मराठों को आमंत्रित किया था और इसका कारण यह था कि बूंदी की जो राजकुमारी थी या बूंदी की जो हम यूं कह सकते हैं कि शासक की जो पत्नी थी बुध सिंह की, बुध सिंह जो अभी शासक था, तो बुध सिंह की कछवाही रानी थी, उसका नाम था आनंद कुंवरी, और आनंद कुंवरी अपने पुत्र उमेद सिंह को बूंदी का शासक बनाना चाहती थी। यानी कि बूंदी साम्राज्य में शासन की बागडोर बुध सिंह के पश्चात उमेद सिंह के हाथ में आनी थी, इसलिए उसको यह लगा कि बूंदी में भी उत्तराधिकार के लिए कुछ मामला बढ़ सकता है। तब उन्होंने आखिरकार जय सिंह से चर्चा की और उन दोनों ने मिलकर के 1734 ईस्वी में मराठों को आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था और इसमें मराठा सरदार होलकर व राणोजी ये यहाँ पर आए थे, बूंदी में इन्होंने प्रवेश किया था। उमेद सिंह को एक राजा ने हुंजा नामक इराकी घोड़ा उपहार में दिया था। एक उमेद सिंह जो बुध सिंह का पुत्र था इसके पश्चात इसके पास एक घोड़ा हुआ करता था, इराकी घोड़ा, और उसका नाम था हुंजा, और हुंजा को किसी राजा ने उमेद सिंह को भेंट किया था। 1748 ईस्वी के बगरू युद्ध में मराठा, कोटा, जोधपुर तथा उदयपुर की संयुक्त सेना ने जयपुर के ईश्वरी सिंह को पराजित किया तथा उमेद सिंह को बूंदी राज्य प्राप्त हुआ था। 1748 ईस्वी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध होता है और इस युद्ध में, जिसे हम बगरू के युद्ध के नाम से जानते हैं, 1748 ईस्वी में, इसमें जयपुर का शासक था ईश्वरी सिंह, जिसने इसरलाठ की स्थापना की थी और इसी ईश्वरी सिंह ने इसरलाठ से कूदकर आत्महत्या भी की थी। आपको ये ध्यान होगा कि राजमहल का युद्ध होता है, टोंक का युद्ध भी कहा जाता है उसमें, वो ईश्वरी सिंह के बीच में और माधो सिंह के बीच में होता है। माधो सिंह पराजित होता है, ईश्वरी सिंह की विजय होती है और ईश्वर सिंह इस जीत की खुशी में इसरलाठ की, या सरगासुली जिसे कहते हैं, उसकी स्थापना इसने की थी। और 1748 ईस्वी का जो बगरू का युद्ध हुआ था, उस बगरू के युद्ध में एक तरफ था जयपुर का कछवाहा शासक ईश्वरी सिंह और दूसरी तरफ थे मराठा, कोटा, जोधपुर और उदयपुर, चार राज्यों की सेनाएं, और इस चार राज्यों की संयुक्त सेना ने
को जयपुर के ईश्वरी सिंह को बगरू के युद्ध में पराजित किया था सन 1748 ईस्वी में, और उसी के पश्चात उमेद सिंह को बूंदी राज्य प्राप्त हुआ था। यानी कि इस युद्ध में जीत के पश्चात ही बूंदी का साम्राज्य जो था वो उमेद सिंह के हाथ में आया था। सन 1818 ईस्वी में बूंदी के शासक विष्णु सिंह ने मराठों से सुरक्षा हेतु ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली और बूंदी की सुरक्षा का भार अंग्रेजी सेना पर आ गया। देखो कितनी आश्चर्य की बात है कि जिस बूंदी ने मराठों को अपनी सुरक्षा के लिए आमंत्रित किया था, अपने स्वार्थ के लिए आमंत्रित किया था, उमेद सिंह को शासक बनाने के लिए आमंत्रित किया था, उन्हीं मराठों से आखिरकार बूंदी त्रस्त हो गया। और बूंदी से बार बार वो खिराज वसूलते थे, बार बार वो कर वसूलते थे, इसके कारण से वो परेशान होकर आखिरकार बूंदी के शासक हुआ करते थे 1818 ईस्वी में विष्णु सिंह। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीनता स्वीकार कर ली। ये सहायक संधि के पश्चात बूंदी की सुरक्षा का जो भार था वो भार अंग्रेजी सेना पर आ गया, और अंग्रेजी सेना ने यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1818 ईस्वी में बूंदी में अपने पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति कर दी, और उसके पश्चात बूंदी एक प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया था, और देश की स्वाधीनता के बाद बूंदी का राष्ट्र संघ में विलय हो गया। जब भारत आज़ाद हो गया और उसके पश्चात देशी रियासतों के विलीनीकरण की एकीकरण की जो प्रक्रिया चल रही थी उसी प्रक्रिया के दौरान आखिरकार बूंदी का राजस्थान में विलय हो जाता है, और इस प्रकार से बूंदी आज़ादी के पश्चात राजस्थान के एक जिले के रूप में स्थापित होता है। इससे पहले राजस्थान की एक प्रमुख रियासतों में शामिल रहा था। तो ये था बूंदी का हाड़ा चौहानों का इतिहास। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे कोटा के हाड़ा चौहानों की। तो आज का वीडियो आशा आपको पसंद आया होगा, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।